लाहौर की माल रोड को डस्ट फ्री बनाने की तैयारियां। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने मंजूरी दे दी। ग्रीन बेल्ट पर मियारी घास और दरख्त लगाए जाएंगे। तजावजात का खात्मा, पार्किंग निजाम को बेहतरीन बनाया जाएगा। सड़क की मुरम्मत, सर्विस रोड और फुटपाथ की बहाली की जाएगी। वजीर आला ने डिप्टी कमिश्नर को टास्क दे दिया। मोहसिन नकवी की क़यादत में हुकूमत की एक और बड़ी कामयाबी, कपास के बाद चावल की फसल में भी अहम संगे मील अबूर कर लिया। रवान साल पंजाब 2 अरब डॉलर का चावल एक्सपोर्ट करेगा। चावल के एक्सपोर्ट में 100% इजाफा होगा। वजीर आला की सेक्रेटरी ज़राअत को शाबाश। वजीर आला का कहना है कि अगले 2 साल में चावल की बरामदात 5 अरब डॉलर तक पहुँच सकती हैं। आशूबे चशम वबा ने शहर में पंजे गाड़ लिए। सूबे में मजीद 13,732 मरीज रिपोर्ट। लाहौर में 887 नए मरीज सामने आए। उधर प्रिंसिपल जनरल अस्पताल के मुताबिक वबा से बचाव के लिए हेल्पलाइन कायम कर दी गई है। दूसरी तरफ आशूबे चशम की वबा में शिद्दत के बायस ड्रॉप्स की किल्लत पैदा होगी। अरके गुलाब भी मार्केट में नाबैद। फंड्स की किल्लत, सितंबर टेस्ट में रकावट बन गई। 1 करोड़ तुलबा तालिबात का इम्तिहान मुनाकद ना हो सका। महकमे स्कूल एजुकेशन ने फर्स्ट टर्म इम्तिहान अक्टूबर में लेने का ऐलान कर दिया। इम्तिहान की मॉनिटरिंग के लिए टीमें तश्कील। इंटरमीडिएट दूसरे सालाना इम्तिहान का आगाज 20 अक्टूबर से होगा। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छुट्टी के बायस बोर्ड ने तारीख बढ़ा दी। अब उम्मीदवार इम्तिहान के लिए डबल फीस के साथ दाखिले 30 सितंबर तक भिजवा सकेंगे। वफाकी हुकूमत के जेर इंतजाम अस्पताल शेख जायद की ओपीडी में 5वें रोज भी एहतजाज। पर्ची काउंटर बंद। सदर यंग डॉक्टर्स डॉक्टर हसन रजा के मुताबिक 2 माह से तनख्वाहों की अदायगी नहीं की गई। बेशतर तिबी मशीनरी खराब हो चुकी, जान बचाने वाली अद्वियात मौजूद नहीं। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का मुतालबात मंजूर न होने पर एहतजाज जारी रखने का ऐलान। ठोकर ने आज बे केनाल रोड और मलहिका इलाकों में ऑपरेशन। एलडीए टीमों ने गैर कानूनी तामीरात मिसमार कर दी। 12 से ज्यादा इमलाक सील। इमलाक में बैंक, ग्रोसरी स्टोर्स, शॉपिंग सेंटर, फूड पॉइंट्स शामिल हैं। जोहर टाउन में 9 करोड़ के 8 कीमती सरकारी प्लॉट वागजार करा लिए। पंजाब फूड अथॉरिटी का सूबा भर में स्पेशल ऑपरेशन। कैचअप मायोनीज की चेकिंग, 2 यूनिट्स की प्रोडक्शन बंद। 39 यूनिट्स को भारी जुर्माने। 92 को इस्लाही नोटिस जारी, 1 मुकदमा दर्ज। लाहौर डिवीजन में 36 यूनिट्स की चेकिंग की गई है। पंजाब में अहम ओहदों पर तकर्रु तबादले। फरूख मसूद को चीफ सेटलमेंट कमिश्नर लगा दिया गया। शहजाद सईद मेंबर वजीर आला मुआयना टीम। सईद रमजान मेंबर इंक्वायरी। अहमद मुस्तजाब करामत मेंबर पीएनडी तायुनात। डॉक्टर शुएब अकबर सेक्रेटरी इंसानी हकूक मुकर्रर। आफ्ताब अहमद डीजी पीएनडी तायुनात। जाहिद इकबाल अवान सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब लग गए। डायरेक्टर स्पोर्ट्स नदीम कैसर की जगह यास्मिन अख्तर को तायुनात कर दिया गया। थाना कल्चर की तब्दीली ख्वाब बन गई। फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर का दावा बेबुनियाद निकला। 40,000 रॉबरी, 65,700 गाड़ी और मोटरसाइकिल चोरी के मुकदमा दर्ज ना हुए। रवान साल सूबा में 518 बड़े डाके मारे गए, मुकदमात ना बने। आईजी शिकायत सेल की हदायत पर 17,000 मुकदमात दर्ज किए गए। मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 अफराद की हलाकत और बाजियाबी का मामला। पंजाब भर में 597 मुबैना मुकाबलों की तफसील अदालत में पेश। जस्टिस अली जिया बाजवा ने इस्तफसार किया कि अब तक कितने पुलिस मुकाबले हुए। डीआईजी बोले कि अब तक 597 मुकाबले हुए, 9 पुलिस वाले शहीद हुए। दरख्वास्त गुजार का मौकफ, पुलिस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की हदायत। परवेज इलाही को करप्शन मुकदमा से डिस्चार्ज करने के खिलाफ समाअत। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। एडिशनल एडवोकेट जनरल और एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल ने दलाइल दिए। बैरिस्टर हसान नियाजी की बाजियाबी के लिए समाअत। फरीकैन के वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद की अदालत में हफीजुल्ला नियाजी की दरख्वास्त पर समाअत हुई।
इस्कंदर चेख्तियारात से तजावज के इल्जाम पर जजिस के खिलाफ इंक्वायरियां, दो एडिशनल सेशन जजिस के खिलाफ जारी, डिसिप्लिनरी कार्रवाइयां खत्म। एडिशनल सेशन जज लाहौर खिजर हयात और मुदस्सर फरीद खोखर शामिल, चीफ जस्टिस और हाईकोर्ट की इंतजामी मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पंजाब में कम अज कम उज्जत के कानून पर अमल दरामद बड़ा मसला बन गया। महकमे लेबर ने सद्देबाब के लिए अहम कानून साजी की तैयारी कर ली। तमाम सेक्टर्स में वेजेस की अदायगी बजरिया बैंक चेक करवाने के लिए कानून साजी होगी। महकमे लेबर ने एक्ट में तरमीम की सिफारिशात तलब कर ली। सूबाई वजीर बैरिस्टर अजफर अली की जेर सदारत ज़कात ओशर काउंसिल का इजलास, वजीर का ज़कात ओशर काउंसिल मेंबरान की गैरहाजिरी पर इजहार बरहमी, सेक्रेटरी को ज़कात बजट की तकसीम के लिए सब कमेटी बनाने की हदायत, फैसलों की तौसीक की गई। पंजाब लाइव स्टॉक डेयरी एंड डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास, सूबाई वजीर ने सदारत की। लाहौर में फरोख्त होने वाले दूध को एडल्ट्रेशन फ्री बनाने का अजम, दूध की पैस्चराइजेशन और पैकेजिंग की सहूलियात को अपस्केल करने का फैसला। सीईओ सीबीडी इमरान अमीन की जेर सदारत इजलास, सीबीडी बुलेवार्ड कायद डिस्ट्रिक्ट की पेशरफ का जायजा, वजीर आला की हदायत पर तमाम मनसूबे बर वक्त तकमील का इयादा। इजलास में घोड़ा चौक फ्लाईओवर वाल्टन रोड की अपग्रेडेशन की पेशरफ का जायजा लिया गया। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एहसान भुट्टा और चेयरमैन चैप्टर साजिद खोखर का मदरसा अल हजवेरी का दौरा, घरेलू आलात की मुरम्मत समेत दीगर क्लासेस का भी दौरा किया। एहसान भुट्टा चेयरमैन चैप्टर ने दरबार पर हाजिरी और फातिहा ख्वानी भी की। मस्जिद वजीर खान के जनूबी हिस्से की बहाली का मनसूबा, अमरीकी काउंसिल जनरल ने बहाल होने वाले हिस्सों का इफ्तिताह कर दिया। मकबरा इमाम जामन, छह हुजे, मरकजी पेविलियन समेत मीनार शामिल। अमरीकी काउंसिल जनरल ने अहाते में लगे मुख्तलिफ स्टॉल्स का भी दौरा किया, कहा कल्चरल मजहबी मस्जिद में मौजूदगी पर बहुत खुश हूं। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से मोटरसाइकिल रैली तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के ज़ेर एहतमाम रैली निकाली गई। मरकज सिरात मुस्तकीम ताजबाग सकीमता प्रेस क्लब तक रैली में आशिकाने रसूल की बड़ी तादाद मौजूद। अंजमन ताजरान नवाब बाजार आजम क्लॉथ मार्केट के ज़ेर एहतमाम महफिल मिलाद सदारत शेख जावेद ने की। शेख मोहम्मद जूनस, मलिक उस्मान, शेख शहजाद, शेख उस्मान जावेद की शिरकत। अलहमरा हॉल 2 में सुबाई रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस, सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी की शिरकत। गवर्नर हाउस में खवातीन के लिए महफिल मिलाद का इनेकाद, बेगम गवर्नर आयशा बलीगुर रहमान की खसूसी शिरकत, बेगम रागिब नईमी, मिसिज अनवार गनी समेत खवातीन की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। ईद मिलादुन्नबी के पेश नज़र तमाम सिनेमाघर और थिएटर्स बंद रखने का फैसला, डीसी के मुताबिक कल सिनेमाघरों और थिएटर्स में सरगर्मियों की इजाजत नहीं होगी, खिलाफवर्जी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा, नोटिफिकेशन जारी। पुलिस के गाजियों और खसूसी बच्चों में वेलफेयर फंड्स की तकसीम, 28 स्पेशल बच्चों के वालिदैन में वेलफेयर फंड्स के चेक तकसीम, 25 गाजियों में उमदा कारकर्दगी दिखाने पर CC3 सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के जेर तरबियत अफसरान का सेफ सिटीज अथॉरिटी का दौरा, अफसरान को ऑपरेशंस एंड मॉनिटरिंग सेंटर से शहर भर के अहम मुकाम की मॉनिटरिंग का अमल दिखाया गया। अफसरान को मीडिया मैनेजमेंट सेंटर और एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में ब्रीफिंग भी दी गई। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर का 22वां कॉन्वोकेशन सदारत वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी ने की। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी की शिरकत। दो रोजा कॉन्वोकेशन में कुल 1210 तुलबा को मेडल्स और डिग्रियों से नवाजा जाएगा।
सर्विसेज अस्पताल में नौजायदगान को पैदाइश के वक्त पेचीदगियों के इलाज पर वर्कशॉप, शोबा पीट्स की जानिब से वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर जहरा खानम, प्रोफेसर तैयबा कावर भट्ट, एमएस डॉक्टर मुनीर अहमद, डॉक्टर सिकंदर हयात, डॉक्टर वसीम सलीम की शिरकत। डॉक्टर्स अस्पताल के जेर एहतमाम दिल के आलमी दिन की मुनासबत से वॉक क्यादत डॉक्टर्स अस्पताल डॉक्टर शहरयार अहमद शेख ने की। डॉक्टर शहरयार ने कहा, फ्रेंड्स वेटरन टी20 क्रिकेट लीग के ग्रुप मैचेस जारी, तीसरे मैच में लाहौर किंग और जावेद इंजीनियरिंग मध्य मुकाबले।